आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चेक चैनल रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है अमित शाह वर्सेस फारूक अब्दुल्ला इन लोकसभा। ओ हो वाह मजेदार होने वाली भी वीडियो, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, तो रोक ही रहे। आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हिम्मत was not 370 a permanent issue, but you abrogated it. Thank God it's in the Supreme Court today. I don't want to say much about it, but create love, not hate. Don't hate us by telling us tourism. What tourism is going in Kashmir? What development is taking in Kashmir? It is not tourism and development. It is love that you have to give. You have to understand. Mohabbat sikho, mohabbat. Nafrat mat sikho. Bahut nafrat ho gayi. You had G20 meeting. G20 meeting and you said to the whole world, what a great tourism meeting you held. Do you know that you could not take the members of G20 to Gulmarg? You could not take them to Dachigam? Hey? And you say there is peace, that there is no terrorism there. Look at yesterday in Kulgam. Look at Rajouri. Our neighbor is still playing. Yaad rakhiye, Bajpai ji ne kya kaha? Suniye meri baat, suniye apne leader ki baat, suniye. Wo aaye, Karna mein aaye, Pakistan ke border ke paas. और कहने लगे कि सुनिए एक मिनट कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए आप उसको माने या ना माने। अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूँ, इस हाउस से कहता हूँ, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते। हो गया, करो हो गया। करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? और कब तक शक करोगे? बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से दो झंडे चले गए, दो संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हुर्रियत से चर्चा करो, जमियत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा। मान्यवर हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर ये कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? तीन परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये तीन परिवारों ने कुल शासन किया, मगर पंचायत चुनाव नहीं करा। नरेंद्र मोदी जी ने
नवंबर दिसंबर 2018 में राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त, 4,483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया, कहीं नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि पथराव बंद हो। स्टोन पेंटिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाह यार क्या बातें हुई, गर्मा गर्म बातों के भी बात। मुखालफीन जो है ना एक तरफ को मुखालफीन से नहीं कहते, नहीं नहीं मतलब के उस वक्त तो ऐसी बातें कर रहे थे ना, मुखालफीन तो नहीं है, बातें इस तरह कर रहे थे तलख अंदाज। नजरिया का डिफरेंट होना उसे दुश्मनी या मुखालफत नहीं कहते, वो नजरियात से डिफरेंस है, उनका नजरियात में फर्क है। जिस तरह वो क्या नाम फरूक अब्दुल्ला कह रहा था, उसने वाजपेयी की ये बात यकीन करे मुझे पर्सनली तौर पर बड़ी पसंद आई है कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। ये बात बिल्कुल 110 और नेचुरली ठीक है, ये बात नेचुरली तौर पर ठीक है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप दोस्त बदल सकते हैं, रिश्तेदार आगे वाली बात बता देना। हाँ वही ना, क्योंकि जब तक आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छे तलुकात नहीं बनाएंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ फरूक अब्दुल्ला को अगर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, इंडिया ने अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी मरतबा पाकिस्तान के साथ तलुकात ठीक करने की कोशिश की है। वाकई भाई वो सब उनको पता है ना कि जिस तरह फरूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कोई भी कंट्री तब तक मतलब ग्रो नहीं कर सकती जब तक उसके साथ और इसकी नेबर कंट्री जो है उसके साथ अलग अच्छे ना हो, और इस वजह से दोनों जो है वो खुशहाली की तरफ जाएंगे। अगर होती दोनों के दरमियान जंग होता रहेगी तो उन्हें कोई खुशहाली क्या, उन्होंने तरक्की करनी है तो उसकी बात बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अमित शाह जो है ना उनका इस पर रद्द अमल जो है ना वो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और जवाब देना चाहिए। वो कह रहे थे हम उनके साथ चर्चा ही नहीं करेंगे, यानी कि बात ही उनसे नहीं करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना हुरियत से करेंगे, और ना ही पाकिस्तान से। यकूब भाई आप खामोशी से सुन रहे हैं, इनकी बातें सुनी आपने, क्या कहना चाहेंगे अमित शाह की बातों पर? वो कह रहे हैं ना पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, बल्कि हमने चुन चुन कर मारे, बल्कि उनको निकाला जॉब्स जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, चुन चुन का मारा, जहाँ मारा वहीं उनके दफा होना चाहिए, इस तरह की बातें किया। वो क्या लगता है दहशतगर्दों के कोई जनाजे नहीं होते, वो उनका कहने का मतलब ये था। तो सही बात है, जो दहशतगर्द वही होता है जो इंसानियत का दुश्मन होते हैं, तो जो इंसानियत का दुश्मन है आम जनता का दुश्मन है, चाहे हिंदू सिख ईसाई कोई भी है तो पहले वो इंसान है, तो जो इंसान को मारेगा वो ना जिहाद है ना कोई, वो तो खुद इंसानियत के खिलाफ जंग है। ठीक है तो वो जंग लड़ रहा है अमेरिका, हर तरफ देख लो वो इंसानियत के खिलाफ एक मिसाल दे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अमित शाह भी कहीं ना अपनी जगह पे ठीक है, तो फरूक अब्दुल्ला तो मतलब एक बुजुर्ग है, वो बड़े मंझे हुए सियासतदान भी रह चुके हैं। अब अमित शाह कौन से जंग है? नहीं अमित शाह के तो वो बड़े है ना, अमित शाह उनकी नजर में तो अमित शाह छोटे ही है, लेकिन अमित शाह की सवाल अपनी जगह पे है भाई। जो एक जो हुकूमत का लेके बीजेपी के चल रहे हैं ना, उसके अंदर जो उनको मुल्क की खातर आवाम की खातर लगता है ना कि ये हम करेंगे तो आवाम को मुल्क को फायदा होगा और इंसानियत के खिलाफ भी नहीं है वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई तो हर्ज नहीं। तो फरूक अब्दुल्ला के कौन से जो क्वेश्चन है वो सही नहीं है, वो भी ठीक ही है। मैंने पहले कहा कि फरूक अब्दुल्ला ने अपनी जगह पे जो सवाल किए वो भी ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ वो जो अमित शाह बात कर रहे थे जिनको वो जनाजे की ये वो तकरीबन मेरी सोच के मुताबिक वो तो बुरान वाले की बात कर रहे थे, खुल के तो वो नहीं बोले लेकिन मैं ही सोच रहा हूँ अपनी ये बुरान वाले वाला क्या केस, बुरान वाले की बात हो रही, वो जम्मू कश्मीर का ही बेटा था, इंडिया का ही बेटा था, तो वो कहीं आवाज उठाता था जिस तरह यासिर मलिक आवाज उठाता था,
तो यासीन मलक है और अली गिलानी, सैयद अली गिलानी उठाता था, और भी कई नाम बड़े बड़े हैं, तो वो भी जम्मू में ही पैदा हुए थे, वही मरे हैं, वही के रहशी है आज भी, तो उनको कौन हवा दे रहा था या आज भी दे रहा है या कौन फंडिंग करता था भाई वो मलक किधर गया इसके ऊपर यासीन मलक जेल में है, इसको बीजेपी ने पकड़ा हुआ है अब। अच्छा 2000 तकरीबन 20 में मेरे ख्याल ने पकड़ा है गाड़ी में बांध थे। कौन? सैयद अली गिलानी। पता नहीं उनकी वीडियो किसने बनाई, मैं तो इस चीज पर ही हैरान हूँ कि वो वीडियो बनाई किसने, और वो ये कह रहे थे कि देखो तुम्हारी जो जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, इस तरह के उनको बयान दिए थे, तो मैं इस चीज़ पर नहीं हैरान हूँ, ये बयान दिए हैरान भी इस चीज़ पर हूँ कि उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर कैमरा लेकर कौन गया और किसने रिकॉर्डिंग की और फिर वो पब्लिक कैसे, तो वो उन्होंने ही की जो बख्तरबंद गाड़ी लेके चल रहे थे या जो सिक्योरिटी वाले थे, उनके अलावा कोई बंदा बयान दे नहीं सकता। आप मुझे ये बता, एक बंदा जेल में है, तू जेल में है, इजाजत ही नहीं अंदर तेरी मुलाकात से हमारी किसी भी बड़े छोटे की, तो फिर कैमरा मैन कैसे जा सकते हैं? वही मैं परेशान हुआ था जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना, गाड़ी पता कितनी मजबूत होती थी, घुट रहा है गोली शोली किसी चीज का असर ही नहीं होता, बाप प्रूफ भी बात करते हैं कोई ऐसी चीज, तो फिर वो अंदर कैसे चला गया कि सवाल तू कर रहा है, वो भी वो अंदर किस तरह चली गया, आदत के बगैर तो खैर वो जा नहीं सकता। वो जो उनके अल्फाज थे वो भी बड़े सख्त थे, वो सख्त इसलिए थे, वो तो सख्त होने थे भाई। अच्छा ये हुर्रियत जम्मू कश्मीर के जो बात उठाते थे ना, आवाज अलग दी थी जमीयत इस्लाम है, एक वो यही है, वो यही है जिनका नाम है ले रहा बुरहान वानी या और यासीन मलक सैयद अली गिलानी या इस तरह। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भाई दो पड़ोसी के साथ ताल्लुकात जो है ना वो अच्छे होने चाहिए, अगर लेकिन अगर जो पड़ोसी है वो आपके साथ ताल्लुकात अच्छे ना रखना चाहे तो फिर इसका क्या हाल हो सकता है भाई? देखिए उनकी वीडियो भी है, क्या है क्या लड़े गुर्बत के, गुर्बत के खिलाफ ना उन्होंने, अच्छा जैसा महंगाई के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमारी तरफ एक कदम बढ़ेगा तो हम उसकी तरफ दो कदम बढ़ेंगे, वो हर लिहाज से हो सकते हैं, चाहे जंग के लिहाज से चाहे दोस्ती के लिहाज से हर तरह से दो कदम। आपको लगता नहीं है कि इंडिया के पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात जबरदस्त है अच्छे है? नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्री जिनके साथ नहीं, मोस्टली जो कंट्री है उनके साथ इंडिया के ताल्लुकात ज्यादातर हमारी निस्बत, हमारे पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छे है भाई। हमने तो खुद बिगाड़े हुए हैं ना, हमने तो खुद बिगाड़े हुए हैं, हम चाहे तो सही कर सकते हैं, अभी कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें बिलीव करता है आपके आपकी कंट्री पे उसने कहा कि अगर मैं बात करूंगी पाकिस्तान से तो किससे करूं, एस्टेब्लिशमेंट से करूं, जो वजीर आजम उससे करूं, जनता से करूं, किससे बात करूं? तो आप खुद ही बताएं फिर हमारी कंट्री को कौन बिलीव करे, हमारी कंट्री में कोई आपके, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके कंट्री के ताल्लुकात इतने दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं, हालांकि आपके तो मुसलमान वाले के कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो फिर ही बात बनेगी, भाई आए ना आएगा आप ही क्या होगा, तो आपको पता नहीं कि जब इमरान साहब आए, इमरान खान साहब तो क्या हुआ था, किधर गए, उन्होंने कितनी कंट्री का दौरा किया, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, उनको दो साल यार कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पीएम अच्छा पाकिस्तान का होगा तो सब के साथ तरक्त और पाकिस्तान के इंडिया से ज्यादा तरक्त दूसरी कंट्री के साथ अच्छे हो सकते हैं। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।